तो गाइस आज के इस मजेदार ब्लॉग में हम लोग जानने वाले हैं कि लखनऊ का ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पे आप झूला भी झूल सकते हो, मस्ती भी कर सकते हो और इतने खूबसूरत मंदिर का नजारा भी ले सकते हो। और ये लखनऊ की सबसे इंस्टाग्रामेबल प्लेस है, तो जानने के लिए इस ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना। वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मंगलवार का दिन है और मैं आ चुका हूँ लखनऊ के वर्ल्ड फेमस हनुमान धाम में। भाई इसकी रील जिस जिसने डाली है, मेरे सारे फ्रेंड्स सबकी वायरल हुई है और बहुत सारे यूट्यूबर्स का वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो देखो, एक तो आज मैं दुआ मांगने आया हूँ कि हे भगवान मेरा ये वाला वीडियो 1 मिलियन व्यूज कर जाए। तो मैं तो देखो सीधे झोली फैला के आया हूँ कि हनुमान जी ये वाला वीडियो मेरा वायरल करा दो। और इसमें आप सब लोग मेरी मदद करने वाले हो। कैसे? चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दो। तो बिना देरी करते हुए इस लखनऊ के वर्ल्ड फेमस वायरल मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं इस टाइम पे लखनऊ के वर्ल्ड फेमस हनुमान धाम में। भाई साहब जिस जिसने यहाँ का वीडियो बनाया ना, उसका वीडियो वायरल हुआ। तो आज मंगलवार के दिन मैं यहाँ पे आया हूँ स्पेशल रिक्वेस्ट के साथ कि हे भगवान आज मेरा वीडियो भी 1 मिलियन व्यूज कर जाए। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे आके अपन कम से कम 1001 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। तो भैया पहले अपना नाम बता दो। अच्छा, तो आप यहाँ पे प्रसाद दे रहे हैं हमें? तो क्या क्या चढ़ाया जाएगा प्रसाद में बता दो। पंचमेव भोगम है हमारे पास, ओके, काजू बादाम सब मिला हुआ है। अच्छा, तो मिनिमम प्रसाद कितने का हम यहाँ पे ले सकते हैं? 1 रुपए लेंगे तब भी 21 के प्रसाद हम देंगे। अच्छा, चाहे पूरा लखनऊ आ जाए। अच्छा ठीक है, तो दे दो फिर प्रसाद दे दो आप हमें। भैया ने दे दिया मुझे प्रसाद, खूब सारे फूल और खूब सारे लड्डू। इनको अभी ले रहे हैं, ये बड़े यूट्यूबर हैं तो ये बड़े ज्यादा सामान ले रहे हैं। तो चलिए अब ऊपर चल के प्रसाद चढ़ाते हैं। तो देखो ये रहा मंदिर, ये रहा हमारा प्रसाद। चलो अब हम मंदिर में चल रहे हैं, प्रसाद चढ़ा दिया जाए। हे हनुमान बाबा, वीडियो वायरल हो जाए मेरा आज की। मेरे दिल से बड़े दिल से मैंने विश मांगी है कि हे भगवान आज मेरा वीडियो वायरल हो जाए। ये देखो बड़ा ही खूबसूरत मंदिर लखनऊ का। ये देखो इतनी बड़ी तो शिव जी की मूर्ति, आगे अंदर हनुमान जी की मूर्ति। तो गाइस चलिए अब दर्शन करें। अरे वाह, यहाँ तो गणपति भी है। चलिए अब अंदर चलते हैं। ये हमारे हनुमान जी की मूर्ति, जैसे कि आप देख रहे हो बहुत सब लाइन में लग चुके हैं। हमारा प्रसाद ये रहा, चलिए प्रसाद चढ़ाते हैं। हमने कर लिए दर्शन, प्रसाद हमारा चढ़ चुका है। चलिए मंदिर को और एक्सप्लोर करते हैं। और बहुत शांति मिली अगर आप लखनऊ में हो यहाँ पे आना और आराम से दर्शन करना। तो मैंने बजरंगबली के, भोलेनाथ के, गणपति बापा के और माता रानी के कर लिए दर्शन। और यहाँ पे ये मंदिर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, अभी तो आइकॉनिक मंदिर और आपको देखना बाकी। तो चलिए अब हम सीढ़ियों से, जैसे कि आप देख रहे हो नीचे उतर रहे हैं, चलिए अब आपको यहाँ की आइकॉनिक जगह दिखाते हैं। मंदिर प्रमाइसेस में जो है वो नीचे उतर चुके हैं और जैसे कि आप देख रहे हो कितना खूबसूरत ये मंदिर बना हुआ है। मतलब इसकी जो खूबसूरती है ना, ये सिर्फ देखते ही बन रही है। यहाँ पे लोग बैठ के प्रोफाइल पिक्चर्स वगैरह खींच रहे हैं। और कितनी खूबसूरत ये मूर्तियाँ देख रहे हो आप, ये देखो ऊपर कितना खूबसूरत वो मंदिर लग रहा है जहाँ पे अभी भी हमने दर्शन करे। यहाँ पे और भी जगह है, चलिए बाकी जगहों को आपको दिखाते हैं। देखिए गोमती के किनारे स्थित ये मंदिर, यहाँ से बैठ के कितना खूबसूरत लगता है। मतलब अगर आपको ये देखो ये कैमरे में आके, बड़े यूट्यूबर हैं, बड़ी माला चढ़ाई है इन लोगों ने। ओफ
ओह भगवान का आशीर्वाद है। देखो कितना इंस्टाग्राम में प्लेस है ये, और इस टाइम पे ना सबके वीडियो ट्रेंड कर रहे हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, और कमेंट तो करना ही करना है। तो यहाँ पे ना मैं आ रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ मेट्रो के आने का। जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मेरे को पर्सनली जानते हैं, उन्हें पता है कि मुझे छुक छुक देखना है, ट्रेन देखना कितना पसंद है। तो मैं कर रहा हूँ वेट, क्योंकि उसका बहुत अच्छा बीरोल आएगा, गोमती के रिवर पे एक तो रिफ्लेक्शन आएगा। तो जैसे ही मेट्रो आएगी तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक मेट्रो क्रॉस देखने के लिए हमें मिल जाए, और बहुत ही प्यारा बीरोल आएगा। तो जैसे ही मेट्रो आती है मैं आपको फटाक से वो शॉट दिखाता हूँ। भाई लोग देखो, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से, बड़ी दुआ और बड़ी प्रार्थना के बाद झूला मिल गया है खाली। एक देखो, झुलाने वाला मुझे कोई है नहीं, अकेले हम आए थे, अकेले हम झूलेंगे, अकेले हम मस्ती करेंगे, लेकिन आ रहा है बहुत मजा। और सामने का व्यू, प्लीज कैमरामैन एक बार 0.5 पे व्यूज दिखा दिया जाए सामने का। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि लखनऊ का सबसे इंस्टाग्रामेबल मंदिर है, और यहाँ पे आप जरूर आ सकते हैं, लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमें कुछ खूबसूरत से लोग मिल गए आज मंदिर में। तो आप लोग यहाँ पे अक्सर आते हैं इस मंदिर में? फर्स्ट टाइम आए। तो किसी का वीडियो देख के आए या बस ऐसे ही चले? आज मंगलवार तो वायरल 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 होना चाहिए, मतलब आज रीले मतलब वायरल होनी चाहिए, इसी उम्मीद से आए। आपका नाम? इशिता। आपका? आरुषि। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय एंड थैंक यू। तो गाइस देखो, हम मंदिर से थोड़ा सा इधर चल गया है, तो ये है पिकनिक वाली जगह। और यहाँ पे देखो, अगर आप देख रहे हो टीले पे, इस तरफ जो है टीले पे आप पिकनिक बना सकते हो, कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए लाया, तो ताज़ी हवा और इस बढ़िया से वेदर को आप इंजॉय कर सकते हो। और वो ही नहीं, आप अगर इधर आओगे तो आप यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हो। अगर आपको बोटिंग करने का मन नहीं, अगर आप बोटिंग कर चुके हो, इंस्टाग्राम पे लाइव आ चुके हो, अपने 100 150 200 हज़ार 1200 लाइक बटोर चुके हो, तो यहाँ पे आप नारियल पानी पी सकते हो, कॉफ़ी पी सकते हो। वहाँ पे भैया जो है वो हमारे वो दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, चने वगैरह जो दे रहे हैं। तो परफेक्ट, एक आपका जो है परफेक्ट 2-3 घंटे के लिए बहुत अच्छा आप एक एंजॉयमेंट करने आ सकते हो नेचुरल तरीके से। तो अगर आपको आना है तो आप इस मंदिर ज़रूर आना। तो देखो, मैं क्या है, बोटिंग करने तो आज नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी जल्दी में यहाँ पे मैंने बोटिंग करी थी, आपको दिखाया था। अगर वाला व्लॉग नहीं देखा तो आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा, आइलैंड टेम्पल ऑफ लखनऊ के लिए। और यहाँ पे ना बोटें जो है वो सारी सजी हुई हैं, ऐसा नहीं कि नॉर्मल सी बोटें, देखो एकदम रंग बिरंगी तरीके से जो है बोटों को वो सजाया हुआ है। तो जो अगर आप फोटो लोगे, प्रोफाइल पिक्चर लोगे, इंस्टाग्राम पे लाइव आओगे, तो भाई साहब लाइक्स खूब भर भर के आएंगे। और तो आपके फॉलोअर सब्सक्राइबर जो भी, वो आपसे डेफिनेटली बात पूछने वाले हैं कि भैया कौन सी जगह गए हो, तो प्राउडली बताना कि भैया हम हनुमंत धाम गए, और हनुमंत धाम में हमने यहाँ पे इतने प्यारे फोटोज वीडियोज लिए हैं। तो हनुमंत धाम की बिल्कुल ही बाउंड्री से सटा हुआ लखनऊ के सबसे पुराने शनि मंदिरों में से एक ये पड़ जाता है। और ये देखिए कितना खूबसूरत ये मंदिर है, और बिल्कुल हनुमंत धाम से लगा हुआ है। आप यहाँ से नहीं जा सकते, बाहर एंट्री ही आपको वहाँ से करनी पड़ेगी। यहाँ से एंट्री पॉइंट एक यहाँ पे बन तो रहा है, लेकिन कोशिश ये कि आप वहाँ से आइए, प्रसाद लेके आइए, शनिवार को शनि महादेव के दर्शन कीजिए। ये देखो ये प्रसाद बांट, लोगों ने पूरा पार्क तो आपको दिखा दिया, तो दर्शन भी हो गए हमारे पूरे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है वापस चलते हैं। तो अब हम लोग भाई लोग दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया, मन को मिल गया सुकून। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही चाहिए, और मंदिर में दर्शन करके आया, बहुत मजा आया। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, डेफिनेटली अगर आप लखनऊ में हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे आओ, एक बार आपको दर्शन 100% करने। तो जो शनि मंदिर है ना, उसकी एंट्री इस तरफ से जाके ऐसे लेफ्ट साइड में होगी, जो मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे शनि वाला मंदिर है, वहाँ पे हमारा हनुमान धाम है, जहाँ पे हम लोगों ने दर्शन किए। गाड़ी पार्किंग थोड़ा सा इशू है यहाँ पे, तो अगर आप कार से आ रहे हो तो थोड़ा टाइमली आना, अगर पीक आवर में आओगे तो गाड़ी पार्किंग आपके लिए एक इशू हो सकता है। ठीक है, हम तो स्कूटी से आते हैं, स्कूटी खड़ी करने की वहाँ पे जगह मिल गई। फिलहाल मैं सजेस्ट करूँगा आप या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए, अपनी गाड़ी में आए तो कोई ऐसे बंदे को लेके आए जो आप पार्ट्स में दर्शन कर सके, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग स्पेस बहुत कम है और जगह रोड जो है वो बहुत छोटी है। तो कविता जी, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पे कपड़े लाई थी, और मेरे पास मतलब ऐसे कपड़े थे जो मैं यूज़ नहीं कर पा रही थी, और बिल्कुल नए कपड़े थे। तो जब मैं यूज़ नहीं कर पा रही, तो मैं सोचा किसी को देते हैं, और अच्छी बात भी है जब। तो मतलब आप सोशल वर्क कर रहे हो? हाँ, आप कह सकते हो, और मुझे ये करना भी अच्छा लगता है, मैं बार बार करती रहती हूँ। और लोग कहते हैं इसको चीज को दिखाना नहीं चाहिए, बट एज ए इन्फ्लुएंसर हमें ये चीज दिखानी चाहिए कि आप लोग भी इसको करो। सो बस मैं वही लगी तो मैं वही।
तो भाई लोग हमारे दर्शन हुए खत्म, और दर्शन करके आया बहुत मजा, मन को सुकून मिला। आप भी यहाँ आओगे तो ये सब चीजें आप भी एक्सपीरियंस करोगे। अगर ब्लॉग यहाँ तक देखा है तो इस ब्लॉग को आपको कराना है वायरल। वो कैसे होगा? इस वीडियो करना है सुपर डुपर हाइपर लाइक, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, एंजॉय करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।